साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। साजिद तारड़ साहब आजकल भारत में हैं, न्यू दिल्ली में हैं। इंडिया इज एज आई कीप सेइंग द वर्ल्ड्स इमर्जिंग डेमोक्रेटिक सुपर पावर। इंडिया इज माय सेकंड होम और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। सर इनका कहना है कि आटा नहीं गिलगित बल्तिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। इंडिया इज अ वंडरफुल प्लेस टू डू बिजनेस। बात सुनो, आईटी सेंटर बना के करना क्या है? आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द क्लीनलीनेस ऑफ न्यू दिल्ली। मैटर ऑफ फैक्ट मैडम, आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? और उसके बाद उन्हें दो तीन जगह जाना है जिसमें वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज भी जाएंगे। इंडिया टुडे इज अ फार मोर बिजनेस फ्रेंडली प्लेस देन इट वाज इवन अ डेकेड अगो। आई वाज लाइक आई टोल्ड यू द होल सिटी इज फुल ऑफ ट्यूलिप्स, ट्यूलिप फेस्टिवल गोइंग ऑन। और जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत इज माय सेकंड होम, आई एम सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 इयर्स, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। वो तो हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है ना, हम पीछे हैं। देयर इज एवरी चांस दैट द 21st सेंचुरी विल बी इंडियाज सेंचुरी। अनफॉर्चूनेटली देयर विल बी नो जस्टिफिकेशन कि इफ आई टेल यू कि वेयर इंडिया इज मूविंग अप और आप कहां खड़े। और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं तारड़, साजिद तारड़ साहब, और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है, और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? चीमा सर, मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस, वेरी प्लीज मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी मैंने, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब, आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरधाम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है इंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल हरिमंदर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर, इंदौर जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस। India is my second home, or I'm feeling very comfortable. I'm feeling very welcome here to India. Lekin sadly, Chima sahab, unfortunately, there will be no justification ki if I tell you ke where India is moving up, aur aap kahan khade hain, Chatha sahab ki cheezein nazar aa rahi hain, unki apology nazar aa rahi hai, and unfortunately, the country is in chaos. Political chaos. Aur dusri sabse badi khabar aaj ki thi ki Khan sahab ne IMF ki threat kar di hai. हम IMF को लेटर लिखेंगे, हालांकि इज नथिंग टू डू विद ऑप्शन, कैन डू एनीथिंग विद IMF पैकेज, बट अनफॉर्चूनेट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। सैडली आई फील बैड अबाउट माय मदरलैंड, माय होमलैंड। लेकिन तारड़ साहब, आप भारत के लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं? आपको भारत के लोग बड़ा प्यार करते हैं, भारत के लोग आपको बड़ा प्यार करते हैं, क्या पैगाम लेके आए हैं उनसे, उनके लिए? देखिए जो मेरी चिम्मा साहब, मैं कुछ चंद उन लोगों में से हूँ जो हमेशा ये चाहते हैं कि इस रीजन पीस आए और इस सारा रीजन जो है वो इकट्ठा हो के सारी तरक्की करे, और यही प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर यहाँ पे आया हूँ भारत में, यही मेरा मैसेज है। और मैं दिस इज माय ख्वाहिश है कि मैं देख सकूं कि मेरी जिंदगी के अंदर ही बॉर्डर साफ हो, भारत के लोग पाकिस्तान जा सकें, पाकिस्तान के लोग भारत आ सकें। तो यही मैसेज मैं अल्टीमेटली यहाँ पे लेकर आया हूँ, उसको मैं ओपनली देखता हूँ। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, they are wonderful. जब भी मैंने किसी को कहा कि I came from Pakistan, तो उसमें लोगों ने हमेशा दोस्त है आगे आके उन्होंने वेलकम किया है। और यही मैं मैसेज, मैं दो दिन से कल से हूँ होटल के अंदर, आई मेट मैनी पीपल, और जितनी वार्मथ है, इट्स अमेजिंग वार्मथ है फ्रॉम द बोथ साइड्स, पीपल टू पीपल जितना प्यार है आप सोच नहीं सकते। आई विश कि पीपल कैन कम टू इंडिया देमसेल्फ और ये एक्सपीरियंस कर सके, मेरे लिए इट्स वेरी हंबलिंग एक्सपीरियंस। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा यह पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on, or I'm surprised.
मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 इयर्स, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि यू कैन सी द इंडिया राइजिंग, यू कैन सी द मोटिवेशन ऑफ पीपल, देयर एपेटाइट टू मूव फॉरवर्ड टू टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैटर फैक्ट मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू इट. Hotels, I was surprised to see. I haven't seen, I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially their hospitality. I cannot find in the United States and of America. So I can see it, the way that India is rising. This is an eyewitness experience, and I'm seeing it, and I wish that people from my motherland, they learn from them. सर इनका कहना है कि आटा नहीं गिलगित बल्तिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान को ख्वाब दिखाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इलेक्ट्रिक बसेस वहां पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर, और एजुकेशन की अगर सूरत हाल देखें तो बहुत बेहतर हो गई है. हमें, मैं तो लाहौर का हूँ, लाहौर में हमें किसी, ये आपने जो जो पूछा है भाई को, इस बारे में हर चीज़ का जो है हमारा, तो यहाँ पे कारखाने भी जो हैं वो भी माशाल्लाह बहुत बंद हो ही गए. हाँ हाँ जी, तो कारोबार का सिलसिला भी जो है वो इतना नहीं है, तो ये होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए. उधर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है इंडिया में, पाकिस्तान में रेलवे का क्या निज़ाम है, दुनिया देख रही है आपको, जरा ये भी तो बताएं. मैडम आपको पता है यहाँ पे रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है. सर तो पड़ोसी इतने तरक्की करके, हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? ये हमारे हुक्मरानों के पेट भरेंगे तो हम तक कोई चीज़ पहुंचेगी ना. अच्छा। हमारे हुक्मरानों के पेट भर नहीं रहे हैं तो हम तो कश्मीर ले देंगे, बताएं कैसे, ये तो नामुमकिन है, मेरे पास जवाब ही नहीं है. जवाब ही नहीं? हाँ जी, नामुमकिन है. आपने इंडिया के कश्मीर की तरक्की देखी, सुनी है, सोशल मीडिया पे देखी है? क्या तरक्की किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया. आपको लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, वो ना कुछ कर पाएंगे ना उन्होंने किया है. नहीं, उधर तो हो रही है ना तरक्की, इंटरनेट पे देखे कितने प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ गए. सर हमें अपने कश्मीर में भी इसी तरह काम करना चाहिए ना. आप लोगों को चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुल्क की बात करें, हमारे मुल्क में हम वो तो कर रहे हैं, वो तो हमसे बहुत आगे हैं. हाँ। ठीक है ना, हम पीछे हैं, हम अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे. चेंज कैसे आएगा, बात तो यही हम भी तो कर रहे हैं. कैसे चेंज आएगा, ये लोग खड़े हैं सब, आप अभी आपने वोट देखे हैं. हाँ जी. जो हुआ है वो आपके सामने है. ठीक है, वो 8 फरवरी ने 25 करोड़ आवाम की उम्मीदें तोड़ी हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो हारे उनको जितवा दिया, जो जीते उनको हरवा दिया.